हेलो एवरी वन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द चैल सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंट टॉक अबाउट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन दट इज बीन रिलीज बाई यू के पी एस सी ऑन इट्स वेबसाइट दिस इज रिगार्डिंग द उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा दो हज़ार इक्कीस ओके सो एज़ यू आर अवेयर जो ये एग्ज़ाम हुआ था आपका जूनियर इंजीनियर का दैट इज जे ई की पोस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट जो था आपका वो थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट को रिलीज़ कर दिया गया था एंड इसी के संदर्भ में ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है जिसमें आपको ट्वेंटी एथ सेप्टेम्बर यानी आज से आपको अपने ऑनलाइन प्रेफरेंस फ़िल करने के लिए टाइम मिलेगा ये आप प्रेफरेंस जो है ट्वेंटी सेप्टेंबर यानी आज से सिक्स अक्टूबर तक सबमिट कर सकते हैं एंड इसमें आप जो भी पद यानी जिस भी पोस्ट या जिस भी विभाग के लिए आपकी वरीयता सूची है या आपकी प्रेफरेंस है उसके बेसिस पे आप इसमें अपने प्रेफरेंस को फिल कर सकते हैं ओके okay? एंड एक बार आपने ये ऑनलाइन प्रेफरेंस फिल कर दिया उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट होगा जिसमें आपकी प्रेफरेंस भी होगी प्लस जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसका प्रिंटआउट निकालते हुए आपको हार्ड कॉपी जमा करवानी है आयोग यानी हरिद्वार में एंड आप ये जो कॉपी है या तो डाक से भेज सकते हैं मीन्स वाया पोस्ट भेज सकते हैं या किसी और मेथड के थ्रू इट शुड रीच द कमीशन ओके एंड टाइमिंग दी गई है सिक्स अक्टूबर एंड सिक्स पी एम इज़ द डेडलाइन ओके एंड इन केस आपका थोड़ा भी लेट होता है तो आयोग आपका जो ये डॉक्यूमेंट है उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा इसीलिए टाइमली अपने ऑनलाइन प्रेफरेंस भर करके ये ध्यान रखिए कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप टाइमली वहाँ भेज दें एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जिस लिफाफे में यानी जिस एनवलोक में आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं उसके ऊपर उतला उत्तराखंड सम्मिलित

एंड डिप्लोमा राष्ट्रीय प्रमाण पत्र के अंतिम वर्ष यानी अंतिम सेमेस्टर की अंक तालिका जो ऑनलाइन आवेदन में दावित है जिसकी आपने अधिमान्य अर्था यानी जो आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपके पास और भी कोई फॉर एग्जाम्पल नेशनल कैडेट यानी एन का बी या सी सर्टिफिकेट हो या आपके पास स्नातक की उपाधि हो या आपके पास नेशनल कैडेट कोर का सी प्रमाण पत्र तो अगर इनमें से कोई भी आपके और भी आपने डॉक्यूमेंट्स इसमें बता रखे हैं कि ओके यू पोजेस डिसक्वालिफिकेशन तो उनके भी आपको प्रूफ इसमें अटैच करने हैं ओके अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ यू हैव यू नो रिक्वेस्टेड फॉर रिजर्वेशन तो आपका जो रिजर्वेशन का प्रमाण पत्र है यानी जो आपका जो भी आपका एस सी एस टी ओ बी सी ई डब्ल्यू एस का जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो भी आपको इसमें अटैच करना है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पूर्व सैनिकों के लिए एफिडेविट है एंड स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए भी जो एफिडेविट या जो सर्टिफिकेट है वो भी इसमें यदि लागू हो तो आपको वो अटैच करना है एंड सिमिलरली फॉर द ऑर्फन्स और अदर कैटेगरीज फॉर एग्जाम्पल द फिजिकली चैलेंज कैटेगरी एक्सेट्रा टू बी अटैचड ओके द डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी अटैचड अपार्ट फ्रॉम दिस डोमिसाइल का सर्टिफिकेट आपको अटैच करना है एंड इन केस यू हैव ऑलरेडी सर्व्ड समवेयर तो आपका जो जो आपका एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है वो भी आप इसमें अटैच करेंगे एंड अगर आपके नेम्स में देर देर इज़ अ डिफरेंस इन द नेम इन योर नेम और इन द नेम ऑफ योर फादर और इन द नेम ऑफ़ योर हस्बैंड तो अगर कोई भिन्नता है आपके डिफरेंट सर्टिफिकेट्स में तो एक जो है प्रमाण पत्र उसके संबंध में यानी स्वघोषणा करते हुए जो कि आयोग के निर्धारित प्रारूप में है उसको आप इसमें अपनी ओन राइटिंग में आई मीन टू से यू हैव टू साइन इट ओके बाकी सारा मटेरियल आपका उस डॉक्यूमेंट में होता है आपको सिर्फ अपने सिग्नेचर करते हुए स्व घोषणा पत्र उसके साथ अटैच करना होगा ओके अपार्ट फ्रॉम दिस और भी और भी अगर आपने कोई दावे करे हैं तो उसके लिए भी आपको संलग्ग संलग्नक लगा करके यानी अटैचमेंट उसके साथ यू हैव टू सेंड दी अटैचमेंट ओके एंड उसके अलावा रजिस्ट्रेशन जैसा कि आपको पता ही है डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन के बिना तो आप इसके लिए अप्लाई कर ही नहीं सकते थे पोस्ट के लिए तो वो जो है इसका सर्टिफिकेट की भी आपको एक कॉपी लगानी होगी एंड उसके बाद जो भी आपके मतलब डोमिसाइल को शो करते हुए अगर कोई भी आपके इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप उसको भी अटैच करेंगे ओके नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस ये ध्यान रखिएगा कि इसके लिए आपको कोई अलग से इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपको जो भी आपके चेकलिस्ट हैं वो आपको डेफिनेटली यू हैव टू प्रोवाइड देम टू द कमीशन एंड सिक्स पी एम सिक्स अक्टूबर इज द लास्ट डेट और द डेडलाइन तो प्लीज अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लीजिए एंड मेक श्योर दैट आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहाँ पर टाइमली पहुंच जाए ओके okay? अदरवाइज जो है ये कमीशन इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस एंड वो मोस्टली कैंडिडेट्स को बाहर कर देता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स टाइम से नहीं पहुंचते हैं तो, तो इसलिए कोई भी लापरवाही मत बरतिएगा टाइम से अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करिए सो दैट यू आर एलिजिबल एंड यू कैन अपीयर इन द इंटरव्यूज ओके सो दैट्स फॉर टुडे एंड इन देर आर इन देर आर एनी आर अदर अपडेट्स आई मेक योर टू मेक वीडियो एंड पोस्टेड ऑन द चैनल दैट्टॉर टुडे वील मेट इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय एंड टेक केयर